अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ, ये इंडिगो है, CR4 इंजन, डीजल इंजन है ये। ये देखिए इसका प्रॉब्लम क्या है। इसका प्रॉब्लम है ये क्लस्टर में ना, ये ब्लैंक आ रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। गाड़ी स्टार्ट है, ना आरपीएम नहीं उठा, ना फ्यूल गेज, ना टेम्परेचर, कुछ भी नहीं उठ रहा है। खाली लेफ्ट राइट काम कर रहा है, बस डीपर का लाइट आ रहा है। तो इसका प्रॉब्लम क्या है आज वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले है ना, ये देखिए, ये कवर खोल के निकालेंगे, 3 स्क्रू में कवर रहता है, ठीक है, इसको निकालेंगे। फिर उसके बाद ये दो फ्यूज बॉक्स है, फ्यूज बॉक्स का बोल्ट है, उसको निकालेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है ना वायर, ये अर्थिंग का वायर है, ये चूहा खाया है, ठीक है। तो पहले तो इसको रिपेयर करेंगे, उसके बाद देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। तो रिपेयर करके मैं आपको दिखाता हूँ। ज़्यादा देर करना है। हेलो दोस्तों, ये देखो सारा मैं वायरिंग रिपेयर कर चुका हूँ, ठीक है। एक बचा है खाली टेप मारने को। अभी दोस्तों चेक करेंगे कि अपना प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ये क्लस्टर है, इसका सॉकेट लगा के देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसका क्लस्टर का किलोमीटर आ गया, पहला नहीं आ रहा था। बाकी फंक्शन भी काम करता है कि नहीं वो देखते हैं। का वायरिंग का प्रॉब्लम था जो सॉल्व हो गया, अभी फिटिंग करेंगे।